देख रहे हैं सहारनपुर लाइव न्यूज़, और सहारनपुर लाइव न्यूज़ के लिए मैं खेमचंद सैनी। इस समय हम रूपराम इंस्टीट्यूट में हैं, और रूपराम इंस्टीट्यूट में आज जो है बच्चों को स्मार्टफोन यहाँ वितरित किए गए, और यहाँ बच्चों से हमने बात की। उन्होंने बताया कि किस प्रकार जो है हम इनका शिक्षा में जो है सदुपयोग करेंगे, और इस अवसर पर बच्चों ने जो है सरकार को यहाँ धन्यवाद भी दिया। और उन्होंने कहा कि जो ये हमको स्मार्टफोन दिए गए हैं वो निश्चित रूप से जो है हमारी आने वाली शिक्षा में सहायक सिद्ध होंगे। जो हमारा विगत सत्र था, सत्र 2021-22 में अध्ययनरत जिन्होंने अंतिम वर्ष की परीक्षा छात्र छात्राओं ने दी है, आज उनको जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है उसके अंतर्गत स्मार्टफोन वितरण का जो आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो एक नई दिशा देने के लिए, एक टेक्निकल दिशा देने के लिए कि शिक्षा को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, बच्चों का दिमाग किस तरीके से विकसित किया जाए, तो सरकार ने योजना दी है टैबलेट के माध्यम से, जिसको हम स्मार्टफोन, क्योंकि आज युग है, दो साल आपके बीच कोरोना काल चला है, तो आपने लैपटॉप के माध्यम से अध्ययन करने का काम किया। मैं सरकार को भी बधाई दूंगा कि आज गरीब बच्चों के लिए सरकार ने एक अच्छी महत्वपूर्ण कार्यशाला जो बच्चों को दी है। आज का समय तकनीकी का समय है, और इसीलिए सरकार की ये मंशा है कि सभी बच्चों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाए। बिंदर कुमार जी, बहुत होगा। हम खुशबू है, सदुपयोग करना चाहिए हमें, कहीं गलत में यूज नहीं लेना चाहिए, इससे हमें पढ़ाई करनी चाहिए। बहुत अच्छी योजना चलाई गई है, गरीब परिवार है या कुछ भी है तो उन्हें सहायता दी जा रही है, वो बहुत अच्छी बात है। ये सरकार की योजना बहुत अच्छी है, ये बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सभी बच्चों को फ़ोन प्राप्त कराए गए हैं। सर, जो स्मार्टफोन में मिला है ये सर सरकार की बहुत अच्छी योजना है, और इससे हम देश का नाम रोशन करेंगे। हमारी क्लास जो है BLLB है सर। सर, मेरा नाम मोहम्मद जीसान है और मैं BCA का स्टूडेंट हूँ। सर, बहुत अच्छी योजना चली है सरकार ने, जो गरीब बच्चे हैं उनको भी सीखने का मौका मिलेगा। खिल सैनी है सर। सर, मैं सरकार की इस पहल की बहुत सराहना करता हूँ, और भविष्य में भी ऐसी सरकार आए जो आगे आने वाले स्टूडेंट को भविष्य में भी ऐसे ऐसे फ़ोन दिए जाए, लैपटॉप दिए जाए, उनका मनोबल बढ़ाया जाए। मेरा नाम आरजू है। सरकार द्वारा जो योजना चलाई गई है इससे कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और जो आपको आज फ़ोन मिला है जी, तो क्या ये शिक्षा में सहायक है? जी, बहुत सहायक है, बहुत खुशी है मुझे। जी, मेरा नाम मानसी है। जो फ़ोन आपको मिला है, सरकार की कैसी योजना है? बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये सरकार की तरफ से, मोदी जी, योगी जी की तरफ से फ़ोन मिले हैं, और शिक्षा में जो है हमारे बहुत काम आएंगे। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी उनको, थैंक्स यू मोदी जी और योगी जी। मेरा नाम मिस्टर अजय कुमार। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सबसे पहले धन्यवाद, सभी और उज्जवल भविष्य के लिए कामना करेंगे।